तो हेलो गाइज, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और वीडियो को आपको शूट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो मैं आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले करके भी दिखा दूंगा वीडियो को आपको किस तरह से शूट करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले हम म्यूट करते हैं। म्यूट करने के बाद आपको हमें यहाँ देखना है कि हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया था और वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का जो पार्ट एक्स्ट्रा है ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ रॉन्ग साइड शूट किया गया है, तो वीडियो को सबसे पहले हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से हमें रोटेट कर लेना होगा। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा वीडियो रोटेट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूं। तो सिंपल आपको वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है। साइड में जैसे कि देख सकते हैं 50% पार्ट जो कि आसपास जो हमारा खाली है, तो कुछ इस तरह से पार्ट आपको खाली रहने देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे दूँगा और उसी वीडियो के साउंड पर भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको लास्ट पॉइंट पर आना है और देख सकते जैसे कि ये लड़की जो है कुछ हाथ कुछ आगे की तरफ करता है, किसी सिर्फ आपको यहीं तक का सीन चाहिए, यानी कि 8.7 तक रहने देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है और बैकग्राउंड को भी मैं एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूं। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कलर पर क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पर क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की को इनेबल कर देना है और यहाँ पर सही से एडजस्ट आपको कर देना है। ये जो होता है आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देना करने के लिए होता है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को 50 के आसपास कर देना है और ये जो आपको देख रहा है फेस को वाइट करने के लिए होता है। तो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट आपको काफ़ी ध्यान से एडजस्ट आपको करना है। तो मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, इसके बाद डन करते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको जूम कर देना है, आपको काफ़ी ध्यान से जूम करना है और इसे साइड में कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। तो अब मैं आपको एक बार वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। यदि आपके वीडियो पर लाइक्स एंड व्यूज नहीं आते तो इस तरह के वीडियो बनाएंगे तो 100% है कि आपके वीडियो पर लाइक्स एंड व्यूज आने ही है। जो मैंने साउंड को मैंने म्यूट किया तो सिर्फ फिर से हम इसे 100 कर देते हैं। इसके बाद सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है लास्ट का साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है, अब हमारा साउंड स्लो नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720 सेलेक्ट करने का वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, इसी साउंड पे आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।